हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी लाइफ। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये वीडियो है मेरे ओवन टोस्टर ग्रिल के बारे में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस ओवन टोस्टर ग्रिल के सभी फीचर्स और हम इसे कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो कैसे हम इसमें इसे यूज़ कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ पिज़्ज़ा बनाकर शेयर करूंगी कि कैसे हम इसे ऑपरेट करते हैं। और वीडियो, ये वाला वीडियो जो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इस वीडियो का रिक्वेस्ट किया था कुसुमिथा एच एंड वेरे टीना, इन दो लोगों ने। और इनके जो नाम और कमेंट्स हैं वो मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले मैं शेयर करूँगी कि इसकी बेसिक कुछ चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एक OTG को ऑपरेट करने से पहले, जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कि जब भी हम OTG किसी भी ब्रांड का कोई भी OTG हो उसे ऑपरेट करते हैं तो उसका ये वाला जो ऊपर का सरफेस है ये काफ़ी हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, इसलिए हमें इसे टच नहीं करना होता जब ये ऑपरेट हो रहा होता है। और हम इसे किसी क्लोज्ड कैबिनेट में भी नहीं ऑपरेट कर सकते। इसे कम से कम इतना स्पेस इसके ऊपर होना चाहिए गैप, सो दे हम प्रॉपर फिक्स्ड उसमें नहीं इसे ऑपरेट कर सकते। थोड़ी सी इसमें स्पेस होनी चाहिए एयर को सर्कुलेट होने के लिए। सो सेकंड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर कोई भी हम OTG ऑपरेट करते हैं, उसे चलाते हैं, कुक करना चाहते हैं उसमें, कुछ भी बेक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें करना होता है OTG को प्री हीट। जनरली 10 टू 15 मिनट का होता है डिपेंडिंग ऑन योर OTG और डिपेंडिंग ऑन योर रेसिपी कि आप क्या बना रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर के लिए और कितने टेम्परेचर पर इसे प्री हीट करते हैं। लेकिन प्री हीट इज़ मस्ट इन OTG। सो हमें इसे कुछ भी हमें इसमें बनाना हो हमें इसे प्री हीट करना ही होता है। और नेक्स्ट जो थिंग है, ये वाला डोर है हमें फुली क्लोज करना होता है ताकि हीट एस्केप ना हो सके। और ये वाला जो इसका डोर है ये डबल ग्लास से बना हुआ है, एक ग्लास इनर साइड पर है और इसके एक ग्लास आउटर साइड पर है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी आउटर लुक ये कैसी है। ये सबसे पहले तो सी थ्रू ग्लास है कि अंदर कुछ भी कुक हो रहा है, बेक हो रहा है, केक जो भी, हम उसे बाहर से देख सकते हैं कि वो कितना कुक हुआ है। और उसके बाद ये जो हैंडल है ये गर्म नहीं होता, इजीली हम इसे ओपन कर सकते हैं। और जब हम इसे ओपन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ नीचे दी गई हैं 2 रॉड्स और सेम इसी तरह ऊपर की ओर भी हैं 2 रॉड्स। साइड में जो हैं ग्रूव्स दिए गए हैं, यहाँ पर हम अपने जो हैं प्लेट्स रैक्स उसे अटैच कर सकते हैं। ये है फर्स्ट सेटिंग, सेकंड सेटिंग एंड थर्ड सेटिंग, ये 3 सेटिंग दी गई हैं। इस पर हम 3 लेवल पर अपनी जो है प्लेट्स उसे एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इसकी नॉब्स, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट नॉब है इस पर ये है टेम्परेचर सेटिंग नॉब। इस पर जो है टेम्परेचर हम 90 डिग्री सेल्सियस से लेकर 230 डिग्री सेल्सियस तक सेट कर सकते हैं। मोस्टली हम केक्स और पिज़्ज़ा वगैरह जो बेक करते हैं वो हम करते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सो फर्स्ट नॉब तो हो गई टेम्परेचर कंट्रोल। और सेकंड जो नॉब है ये है लेवल्स, जो है ये सेटिंग है इन वाली रॉड्स की। इसमें यहाँ पर एक जो है लाइन है, इसका मतलब है कि ऊपर की रॉड इस वाले अगर हम पॉइंट करेंगे तो ऊपर की रॉड ऑपरेट होगी, नीचे वाली नहीं होगी। इस वाली सेटिंग पे नीचे की रॉड ऑपरेट होगी और इस वाली सेटिंग में दोनों रॉड्स एक साथ ऑपरेट होंगी। और जो ये वाली सेटिंग है ये मैं बाद में आपको दिखाती हूँ, अगर हमें फुल जो चिकन है वो रोस्ट करना हो तो ये उसके लिए है। इसमें ऊपर वाली रॉड जो है वो ऑन होगी, ऑपरेट होगी, और उसके साथ जो है चिकन वाली रॉड वो रोटेट करेगी।
और सेम इसी तरह नीचे वाली रॉड ऑपरेट करेगी। और इस वाली सेटिंग में दोनों रॉड्स और जो सेंटर में चिकन वाली है रॉड, वो तीनों ऑपरेट करेंगी। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला सेटिंग, ये है टेम्परेचर। यहाँ पर हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं अप टू 60 मिनट्स तक, हम इसे एक आवर के लिए ऑपरेट कर सकते हैं। और ये जब ऑपरेटिंग टाइम लाइक फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद ये ऐसे बीप देता है। और इस पर हमें लाइक अगर हमें पिज़्ज़ा वगैरह बेक करना है तो हमारी जनरली सेटिंग होती है 10 टू 20 मिनट्स तक, और हमें अगर केक करना है तो 30-35 मिनट्स डिपेंडिंग अपन योर रेसिपी, ये वाली सेटिंग इसमें यूज़ होती हैं। सो अगर हम बात करें एक्सेसरीज़ की, तो इस वाले जो OTG है इसके साथ मुझे मिला था एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो ग्रिलिंग रैक है, फर्स्ट ये मिला था। और उसके बाद ये है फुल जो अगर हमें चिकन रोस्ट करना हो तो उसके लिए रॉड, और ये वाला है उसी रॉड का होल्डर अगर हमें इसे बाहर निकालना है इसके लिए। और इसके साथ सॉरी फॉर द नॉइस, और इसके साथ मिले हैं ये 4 स्क्वेयर्स अगर हमें पनीर टिक्का चिकन टिक्का बनाना है तो ये उसके लिए है। और एक है ये वाला जो होल्डर, इसके साथ हम इसे जो है रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये इतना जो है रिस्की है थोड़ा सा, इसलिए हमें जो मोटा कॉटन का टॉवल है वही यूज़ करना चाहिए। और एक और चीज़ मिली है इसके साथ, और वो है ये वाली एक नॉन स्टिक प्लेट, इसमें हम कुकीज़ बेक करने के लिए ये बहुत अच्छी है, और इसमें हम पिज़्ज़ा वो बना सकते हैं बहुत अच्छे से। सो ये तो थी, और इसके साथ एक मैनुअल बुक भी मिली है। और ये तो थी इसकी जो एक्सेसरीज इसके साथ मिली हैं, और इससे हम प्लेट्स को एडजस्ट कर सकते हैं 3 लेवल्स में, फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड ये सेंटर वाली है, ऊपर और नीचे सेम गैप रहेगा। अगर हम नीचे से ज़्यादा ब्राउन करना चाहते हैं, पिज़्ज़ा क्रस्ट ज़्यादा क्रिस्प चाहते हैं, तो हम थर्ड वाली सेटिंग में इसे यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर ये वाला रैक है, ये भी तीनों पोजीशन पर एडजस्ट हो जाता है। और ये वाली चिकन वाली रॉड है, ये जहाँ पे लगाने के बाद हम इसमें फुल चिकन रोस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये वाला जो है स्टैंड, इसे हम इससे इजीली बाहर निकाल सकते हैं। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने अपने जो OTG है उसको 10 मिनट्स पर सेट कर दिया है प्री हीट होने के लिए, और उसके बाद मैंने रेडी कर लिया है उसकी जो है कटिंग्स। एक तो मैंने अनियन स्लाइस कर लिए हैं, और उसके बाद मैंने टमाटो स्लाइस कर लिए हैं, और उसके बाद मैंने चीज़ भी ग्रेट कर लिया है। और उसके बाद जो सबसे पहले मैंने ये वाला जो है डो पिज़्ज़ा का, ये रेडी करके रख दिया था फर्मेंट होने के लिए 1 घंटा पहले, और उसके बाद इसे कवर कर दिया था। ये फर्मेंट अच्छी तरह हो चुका है।
रहा है देखने में लुक. हाउ यम्मी इट इज. अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं. प्लीज बी केयरफुल यूजिंग द टोंग. अब मैं इसे शिफ्ट करने वाली कर रही हूँ ऊपर वाले रैक में, और उसके बाद मैं इसकी सेटिंग्स चेंज कर दूंगी टू दिस वन. ऊपर वाली रॉड ही इसमें सिर्फ ऑन होगी और इसका टाइमर होगा सिर्फ 2 मिनट्स. तो हमारा पिज्ज़ा हो गया है रेडी. अब हम इसे केयरफुली बाहर निकाल लेंगे. ये बहुत ज़्यादा गर्म है. प्लीज़ बी केयरफुल. देखो कितना डिलीशियस, कितना जम्मी पिज़्ज़ा इसमें रेडी हुआ है. ये वाला पिज़्ज़ा ऐसे माइक्रोवेव में ये हम रेडी नहीं कर सकते जो ओटीजी में कर सकते हैं. सो इट्स बेस्ट फॉर लाइक केक्स, पिज़्ज़ाज एंड बेकरी थिंग्स. सो एक जो और बात आपने ध्यान में रखनी है वो ये कि जब आप कुकिंग कर लें, जो भी बेक करना है कर लें, उसके बाद आपको ये वाले डोर को इसके ओपन छोड़ना है ताकि ये जल्दी से जल्दी कूल डाउन हो सके. सो इसे कभी भी ऐसे बंद करके नहीं रखना है. इसकी सेटिंग हमेशा होती है यहाँ पे, ये यहाँ पे आके अटक जाता है, इसलिए हमें इस वाली पोजीशन में इसे रहने देना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो सके जल्दी से जल्दी. सो अब मैं इस पर थोड़ा सा जो है और ओरिगेनो स्प्रिंकल कर लेती हूँ. अगर आप चाहें तो इस पर चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं. अब मैं इसे पीसेज में कट करूँगी, देन इसे इंजॉय करेंगे. सो यही था आज का वीडियो. आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं. सो पिज़्ज़ा कैसा बना ये भी बताना. और आज की वीडियो में इतना ही. सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.